सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश जय सोलर। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें मैंने मल्टीमीटर और सेंसर टेस्टर की मदद से एक्सीलेटर पैडल सेंसर की वायरिंग, एक्सीलेटर पैडल सेंसर को एक साथ बिना खोले कैसे चेक किया जाता है, उसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक अनाउंसमेंट ये है कि कार क्लिनिक का एक लेटेस्ट अपडेट आने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि थिंक टूल के जितने भी डिवाइस हैं, चाहे वो मास्टर हो गया, मास्टर एक्स हो गया, रीडर 7 हो गया, रीडर HD हो गया, हमारे जितने भी थिंक टूल के डिवाइसेज हैं, उन सब पे न्यू ईयर पे 15% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आज ही अपना डिवाइस बुक कीजिए, जल्द से जल्द इस डिस्काउंट को हासिल करने के लिए। तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं, और हमारा जो टेक्निकल वीडियो है उसको आप गौर से देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये हमारा है एक्सीलेटर पैडल सेंसर, इसको मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा, मगर उसके पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। कि ये मान लो कि ये हमारा हो गया ECM, ECM, और ये हमारा हो गया एप्लीकेशन सेंसर, है ना। ये हमारा एप्लीकेशन सेंसर हो गया, एक्सीलेटर पेडल सेंसर हो गया। इसमें कितनी वायर है टोटल? 6 वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वायर हो गई। अब जो है ना, ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर मैं बीच में एक ऐसे बताऊं आपको, तो ये टोटल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 3 हिस्सा ये अपना अलग हो गया, और ये अपना अलग हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन। आपने कोड में भी देखा होगा F1 और F2, तो ये वही होता है। एक्सीलेटर पेडल सेंसर का पहला हिस्सा जिसकी 3 वायर होती है, एक्सीलेटर पेडल सेंसर का दूसरा हिस्सा जिसकी 3 वायर होती है। टोटल हो गई हमारी 6 वायर। तो आपको हर एक वायर में पॉजिटिव 5 वोल्ट का और एक नेगेटिव 12 वोल्ट का मिलेगा ही मिलेगा। इसमें भी आपको जो है पॉजिटिव 5 वोल्ट का और नेगेटिव 12 वोल्ट का मिलेगा। तो ये जो 5 वोल्ट का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये ECM से हमारा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा ये ECM से आ रहा है। अगर ये आपको एक्सीलेटर पेडल सेंसर में नहीं मिलता है, तो आप ECM के ऊपर से चेक कीजिए। अगर वहाँ पे 5 वोल्ट या नेगेटिव आपका आ रहा है, तो उसका मतलब वायरिंग का फॉल्ट है। और अगर वहाँ से भी नहीं आ रहा है, तो आपका ECM ख़राब है, क्लियर। क्योंकि सेंसर्स में कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव रुकता नहीं है, किसी भी कंडीशन में, चाहे आपकी गाड़ी लॉक हो, चाहे कैलिब्रेशन आउट हो, वॉट एवर कुछ भी हो, आपका रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट का और नेगेटिव कभी नहीं रुकेगा। हाँ, अब जो बात आती है तीसरी चीज़ की, वो ये है कि यहाँ पे एक्सीलेटर पेडल सेंसर जितना प्रेस होगा उसके हिसाब से सिग्नल देगा। तो ये होती है हमारी सिग्नल वायर। तो ये सिग्नल हमारा वोल्टेज में जनरेट होता है ना। अब जितना हम इसको दबाएंगे, उतना ज़्यादा ये वोल्टेज अपना जनरेट करेगा। ये भी जो है हमारा वही रहता है। तो ये 2 हिस्सों में रहता है। ये F1 का सिग्नल वायर हो गया, ये F2 का सिग्नल वायर हो गया, बराबर। तो अब हम जो है पहले पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलेटर पेडल सेंसर में चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, मैं अपना ये JDAC जो पुराना वाला वर्जन है, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि कई लोग बोल रहे थे कि भाई हरीश भाई, जो आपने ये नया वाला वर्जन लॉन्च किया है, तो पुराना वाला वर्जन है हमारे पास में, आपने हमको छोटा वाला दे दिया है। तो ये भी कैपेबल है, ऐसा नहीं है कि ये कैपेबल नहीं है, ये भी कैपेबल है। चाबी ऑन है, ऑन कर दीजिए। या हाँ, अब देखिए, मैं पहले ओके, हाँ तो ये देखिए, ये हमारा 0.3 आ रहा है। तो अभी इसको हम निगलेक्ट करते हैं, ये हमारी सिग्नल की वायर है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम दूसरी वायर चेक करते हैं कि भाई इसमें कितना आ रहा है। तो ये देखिए, इसमें हमारा ग्रीन बत्ती जल रही है, नेगेटिव आ रहा है ना। अब उसके बाद में हम तीसरी वायर चेक करेंगे, ये 0.7, मतलब कि ये भी हमारा सिग्नल हो गया,
उसके बाद हम तीसरी वायर चेक करेंगे तो ये हमारी नेगेटिव हो गई। तो अभी तक के हमको कितनी नेगेटिव मिल गई है? दो नेगेटिव मिल गई है, दो सिग्नल मिल गए। अब इधर देख लेते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। ये देखो वोल्टेज, ये एक 5 वोल्ट का करंट हमको मिला। अब ये दूसरा हम देखते हैं, नहीं नहीं इसमें भी 5 का ही मिलेगा। ये देखो 5 वोल्टेज, तो ये 5 वोल्ट एक मिल गया हमको ऐप 1 का, ये हो गया ऐप 2 का, फिर उसके बाद में ये नेगेटिव हमारी, सॉरी ये वाली नेगेटिव हो गई हमारी, और उसके बाद में ये वाली नेगेटिव हमारी हो गई। तो हमारा ऐप 1 का 5 वोल्टेज, ऐप 2 का 5 वोल्टेज, और ये -12 12 भी हमको यानी कि नेगेटिव भी मिल गया है। अब जो है हमारी सिग्नल वायर कभी भी जो रहती है ना वो 0 पॉइंट के आसपास में ही वोल्टेज देगी एक्सेलेटर पेडल सेंसर में, और जैसे जैसे हम एक्सेलेटर प्रेस करेंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। तो अभी मैंने ये आपको सेंसर टेस्टर से दिखाया, अब मैं आपको मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर से चेक करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव चेक कर रहे हो तो पहले 20 वोल्ट पे सेट कर दो, है ना। अब उसके बाद में भाई आपकी हेल्प लगेगी, इसको आप जो है नेगेटिव में लगा करके रखो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। ये बटन है, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीमीटर के ऊपर में आप ध्यान लगाइए, तो ये मैंने लगा करके रखा हुआ है। आप कैमरे को वैसे ही रखो, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा, है ना। अब देखिए ये अपना कितना वोल्टेज आया, 3.2 सिग्नल, ओके। उसके बाद में ये हमारा 0.00 दिखा रहा है, तो मैं इसको यहीं के यहीं पे कंटिन्यूटी पे सेट कर दूंगा, तो मेरे को बीप का साउंड आने लगा, ओके। अब उसके बाद वापस से मैं इसको क्या करूंगा, अपना वोल्टेज पे सेट करूंगा, फिर अगली वायर पे जाऊंगा मैं। तो ये भी देखिए मेरी सिग्नल वायर है, सॉरी ये मेरी सिग्नल वायर है जैसा कि आपने सेंसर टेस्टर में देखा था। अब उसके बाद मैं अगली वायर पे जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को 0.00 दिखा रहा है, तो वापस से मैं इसको क्या करूँगा, इस पर सेट करूँगा, ओके। तो ये देखिए ये मेरा बीप का साउंड आ रहा है, ये नेगेटिव हो गया। उसके फिर बाद में वापस से मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, और अब जो मेरे दोनों 5-5 वोल्ट के हैं वो भी आप देख लीजिए, दिखाइए यहाँ पे मल्टीमीटर में। ये 5 वोल्ट का एक वायर हो गया, ऊपर करिए आप सेंसर के पास में, अब यहाँ पे भी मैं कर रहा ये 5 वोल्ट का अपना आने लगा बराबर। अब जो है हमारी ये वाली वायर और ये वाली वायर हमने पहचान लिए कि ये दोनों वायर जो है हमारी सिग्नल की है। तो अब जैसे कि मैं एक्सेलेटर को दबाऊंगा तो ये मेरा बढ़ेगा, देखिए हाँ एक सेकेंड है भाई, हिल रहा है बार बार मुझसे, मैं सेंसर टेस्टर ही लगा लेता हूँ ना। इससे काम करने में यही थोड़ा सा दिक्कत है, अजय अब ये एक्सेलेटर को प्रेस कीजिए आप, जरा रुक जाइए, है ना, बहुत हार्ड रहता है इसलिए। हाँ ये देखिए, हाँ वोल्टेज बढ़ रहा है, हाँ। अब धीरे धीरे छोड़िए, ये वोल्टेज कम हुआ, तो ये हमारा ऐप 1 का सिग्नल हो गया। अब हम ऐप 2 का सिग्नल चेक करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लगाया, हाँ लीजिए दबाइए, ये देखिए वोल्टेज बढ़ने लगा, एक सेकेंड छोड़ो कम करो, कम होने लगा, दबाओ वापस, ये बढ़ने लगा हमारा। अब यही चीज़ हम मल्टीमीटर से भी देख सकते हैं, आप ऐसे कीजिएगा, है ना। अब दादा आप एक काम करो, नीचे मल्टीमीटर को मैं ये कवर में ले रहा हूँ यहाँ पे, अब आप दिखाइए, है ना, हमारे यूजर्स को। हाँ हाँ दबाइए, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, धीरे धीरे छोड़िए, ये कम हो रहा है। अब ये दूसरी वाली सिग्नल वायर है, इस पे देखिए दबाइए धीरे धीरे, वोल्टेज बढ़ने लगा, छोड़िए कम होने लगा। तो इस तरीके से जो आप है एक्सेलेटर पेडल सेंसर और उसकी वायरिंग को, दोनों को बिना खोले
बिना ओपन सर्किट का कोड जनरेट किए चेक कर सकते हो कि आपका सेंसर सही है कि नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आपकी वायरिंग सही है कि नहीं है। नंबर तीन, आपका ECM ख़राब है कि नहीं है एक्सीलेटर पेडल सेंसर के बिहाफ पे अगर कोड आ रहा है तो, ये आप श्योर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आ रहा है और ECM से भी नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ECM फॉल्टी है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ रहा है और एक्सीलेटर दबाने पे सिग्नल नहीं आ रहा है तो हमारा सेंसर ख़राब है, बराबर। और अगर मान के चलिए कि हमारा ये जो सिग्नल पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ से निकल रहा है वहाँ नहीं जा रहा है, या फिर वहाँ से निकल रहा है ECM से निकल रहा है यहाँ नहीं आ रहा है, तो वायरिंग का फॉल्ट है। तो ये तीनों चीज़ें हम यहीं पर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं, ये इतना आसान है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।